वेलकम अगेन इन द लास्ट लेक्चर वी हैव प्रूव दैट एवरी स्क्वेयर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिस दिस इज एन अदर रिजल्ट विच इज पैरल टू द प्रीवियस रिजल्ट इन दिस रिजल्ट वी विल प्रूव दैट एवरी स्क्वेयर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ हरमिशन एंड स्क्यू हरमिशन मैट्रिसिस तो इसमें हम प्रूव करेंगे कि कोई भी स्क्वेयर मैट्रिक्स है उसको लिख सकते हैं आप सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक और जो सम है वो कैसा रहेगा यूनिक रहेगा तो चलिए प्रूफ करते हैं प्रूफ देखिए लेट ए बी ए स्क्वेयर मैट्रिक्स आपने मान लिया कि ये क्या है स्क्वेयर मैट्रिक्स है देन जैसे हमने पिछले केस में किया था देन ए को लिख सकते हैं आप वन बाय टू टू ए इसको रीराइट कर सकते हैं ए प्लस ए तो पहले हमने इसमें ट्रांसपोज ऐड किया था और ट्रांसपोज सब्स्ट्रैक्ट किया था अब हम यहां पर क्या करेंगे ए थीटा ऐड करेंगे और ए थीटा सब्सट्रैक्ट कर देंगे क्लब करें टर्म्स को ए प्लस ए थीटा प्लस हाफ ए माइनस ए थीटा ए प्लस ए थीटा ए माइनस ए थीटा ओके नाउ सपोज दिस इज योर पी एंड दिस इज योर क्यू तो हमने क्या किया हमने ए को ब्रेक कर दिया एज सम ऑफ समी एंड क्यू मेट्रीज अब हम प्रूव करेंगे कि ये जो पी है ये हरमिशियन है और क्यू कैसी है स्क्यू हरमिशियन है तो पी को अगर आपने हरमिशियन प्रूव करना है तो क्या कंप्यूट करेंगे पी थीटा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट पी थीटा देखिए क्या आएगा हाफ ए प्लस ए थीटा होल ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करिए वन बाय टू क्या है स्केलर है स्केलर को बाहर निकाल देंगे थीटा से इंडिपेंडेंट रहेगा ये तो ये आपके पास आ गया ए थीटा प्लस ए थीटा थीटा और आपको पता है कि जब हम दो बार ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करते हैं तो वही मैट्रिक्स आपके पास वापस आती है तो ये आपके पास आ गया वन बाय टू ए प्लस ए थीटा एंड वट इज दिस दिस योर पी सिमिलरली हम क्यू को देखना चाहेंगे कि क्यों क्या है स्क्यू हर्मीशन है या हर्मीशन तो क्यों थीटा कैलकुलेट करेंगे 1 by 2 a plus a थीटा सॉरी ये क्यों आपका a minus a थीटा है तो इसका हमने क्या किया ट्रांसपोज कंज्यूगेट 1 by 2 फिर बाहर आ जाएगा तो a थीटा minus a थीटा थीटा दिस इज इक्वल टू 1 by 2 a थीटा minus a माइनस बाहर निकाल सकते हैं 1 by 2 a minus ए थीटा तो देखिए ये क्या हो गया आपका माइनस क्यू तो हमने क्या शो किया कि जो पी है P थीटा आपके पास पी आया तो पी क्या हो गई हरमिशन क्यू थीटा क्या आया माइनस क्यू तो क्यों क्या हो गई स्क्यू हरमिशन तो अब हम प्रूव करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है इसको हम सिर्फ यूनिकली लिख सकते हैं एज ए सम ऑफ एंड स्क्यू हरमिशन मैट्रिसिस तो यूनिकनेस पार्ट देखिए सपोज करते हैं सपोज ए को हमने दोबारा लिखा आर प्लस एस वेयर आर इज हर्मिशियन एंड एस इज स्क्यू हर्मिशियन आपने कहा कि ठीक है हम एक बार और लिखकर देखते हैं ए को सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन तो हम ये देखना चाहेंगे कि ये जो आर है क्या यह पीके क्वाल आता है और एस जो है क्या यह क्यूके क्वाल आता है अगर ये आर पी के क्वाल आ गया और एस क्यूके क्वाल आ गया तो आपने जो लिखा है दैट इज यूनिक ओके तो लेट स्टार्ट ए थीटा कंप्यूट करें ए थीटा आपके पास आएगा आर थीटा प्लस एस थीटा आर थीटा क्या है आर और एस थीटा क्या है माइनस एस तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशन हो गई ए इज इक्वल टू आर प्लस एस और ए थीटा इज इक्वल टू आर माइनस एस इन दोनों को ऐड करें ए प्लस ए थीटा दिस इज इक्वल टू टू आर एंड दिस इंप्लाइज आर क्या हो गया आपके पास वन बाय टू ए प्लस ए थीटा विच इज योर पी के इक्वल है ओके okay. सिमिलरली इन दोनों को हम सब करेंगे ए माइनस ए थीटा ए माइनस ए थीटा देखिए क्या आएगा ये आपका टू एस आ जाएगा दिस एम्प्लाइज एस क्या आएगा आपके पास हाफ ए माइनस ए थीटा विच इज क्यू तो क्या प्रूव किया हमने कि जो आर है वो पी के इक्वल आ गया और एस किसके इक्वल आ गया क्योंके? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ इज ओनली वन एंड ओनली वन वे टू एक्सप्रेस ए मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ समीशन एंड स्क्यू तो दिस इज द यूनिकनेस पार्ट एंड दिस कंप्लीट द प्रूफ ऑफ द थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है तो इनमें से कोई ना कोई थ्योरम एग्जाम में पूछी जाती है या तो सिमेट्रिक मेट्रिक के केस के में या फिर यह हरमिशन केस में अब एग्जाम्पल लिखते हैं कि हाउ टू तो राइट ए मेट्रिक्स एज ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो एक्जाम्पल देखिए लेट ए इज इक्वल टू टू वन प्लस अयोटा टू प्लस थ्री अयोटा टू माइनस आयोटा वन प्लस टू आयोटा माइनस आयोटा टू माइनस फोर आयोटा थ्री माइनस टू आयोटा फोर प्लस फाइव आयोटा नाउ वी हैव टू एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हरमिशन मैट्रिक्स तो पहले हम क्या कंप्यूट करेंगे ए थीटा ए थीटा कंप्यूट करें ए थीटा का मतलब आपने क्या करना है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट भी करते जाएंगे और ट्रांसपोज भी वन माइनस आयोटा टू माइनस थ्री आयोटा ओके सेकेंड रो देखिए टू प्लस आयोटा वन माइनस टू आयोटा आयोटा थर्ड रो टू प्लस फोर आयोटा थ्री प्लस टू आयोटा फोर माइनस फाइव आयोटा तो ये हमने ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कंप्यूट किया अब हमने क्या करना है ए प्लस ए थीटा ए प्लस ए थीटा देखिए ए प्लस ए थीटा करें कंप्यूट टू प्लस टू फोर वन प्लस आयोटा टू प्लस होता वन प्लस टू थ्री हो गया आपका ये हो गया थ्री प्लस टू आयोटा टू प्लस टू फोर प्लस सेवन आयोटा ऐड किया अब इसको ऐड करें थ्री माइनस टू आयोटा टू वन प्लस वन टू एंड टू आटा से टू आटा कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट आपके पास आएगा थ्री प्लस आयोटा यहां देखिए फोर माइनस सेवन आयोटा थ्री माइनस आयोटा एट ओके तो ये आपके पास ए प्लस ए थीटा आ गया हमने क्या कंप्यूट करना वन बाय टू तो वन बाय टू यहां मल्टीप्लाई कर देंगे ओके तो देखिए ये आपके पास हरमिशन मैट्रिक्स आएगी इसकी पहचान आपके पास क्या है कि देखिए डायग्नल एलिमेंट आपके क्या है रियल नंबर ही हमने पहले भी प्रूव किया था कि जो हरमिशन मैट्रिक्स होती है उसके जो डायगनल एलिमेंट है दे आर रियल नंबर ठीक है तो अब हम प्रूव करेंगे कि हाफ ए माइनस ए थीटा क्या हो चलिए हाफ ए माइनस ए थीटा कैलकुलेट करते हैं ए माइनस ए थीटा दिस इज इक्वल टू हाफ ए माइनस ए थीटा करना है आपने यानी ये आपके पास ए है और ये ए थीटा इन दोनों को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आएगा जीरो माइनस वन इनको सब्टैक्ट करेंगे माइनस वन इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये आएगा माइनस आयोटा इस एंट्री और इस एंट्री को सब्टैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आएगा वन नेक्स्ट आएगा आपके पास फोर आयोटा और नेक्स्ट आएगा माइनस थ्री माइनस फिर रूटीन कैलकुलेशन है आप बड़े सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो नेक्स्ट आएगा माइनस आयोटा थ्री माइनस थ्री आयोटा एंड नेक्स्ट इज टेन आयोटा ओके तो देखिए जो ये मैट्रिक्स है वाकई ये क्या है स्क्यू हर मिशी है क्योंकि डायगोनल पे आपके क्या आ गए या तो जीरो आएगा या फिर प्योरली इमेजिनरी नंबर आएंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान होती है और कई बार एग्जाम में वेरिफिकेशन भी आती है कि वेरीफाई दैट वेरीफाई दैट का मतलब क्या है कि आपने ए को ब्रेक किया एज ए हरमीशन एंड स्क्यू हरमिशन मैट्रिक्स के में फिर आपने क्या करना है? इन दोनों मैट्रिक्स को एड करके देखना है कि अगर आपकी मैट्रिक्स वापिस ए इक्वल आ जाए देन योर रिजल्ट इज ओके तो दिस इज द वेरीफिकेशन पार्ट तो इसी कैटेगरी में जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो ये है कि शो दैट एवरी स्क्वेयर मैट्रिक्स ए कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज प्लस आयोटा क्यू वे आर बोथ पी एंड क्यू आर हरमिशन मेट्रिस तो लास्ट रिजल्ट में क्या था कि आपने ए को एक्सप्रेस किया था एज पी प्लस क्यू वहां पर पी हरमिशन था और क्यू क्या था क्यू हरमिशन है तो डिफरेंस क्या है यहाँ पर कि आपने ए को एक्सप्रेस करना है पी प्लस आयोटा क्यू वे आर बोथ पी एंड क्यू आर हरमिशन तो चलिए प्रूफ देखते हैं बिल्कुल वैसे ही लेट ए बी ए स्क्वेर मैट्रिक्स आपने ए को क्या मान लिया स्क्वेयर मैट्रिक्स मान लिया देन ए को लिख सकते हैं ए कैन बी रिटन एज हाफ ए प्लस ए तो यहां पर क्या करेंगे हम हाफ ए प्लस ए ए थीटा एड करेंगे और ए थीटा सल्ट्रैक्ट करेंगे ठीक है ये स्टेप तो बिल्कुल वैसे ही है तो सेपरेट कर लें ए प्लस एटा ए प्लस ए थीटा और इसको सेपरेट कर लें हाफ ए माइनस ए थीटा चलिए हाफ ए प्लस ए थीटा देखिए यहां पर हम क्या चेंजेस करेंगे यहां हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और आयोटा से डिवाइड करेंगे टू आयोटा ए माइनस ए थीटा ठीक है तो इसको हम कहेंगे क्यू और इसको कहेंगे पी तो पहला काम हमने पूरा किया कि हमने इसको लिखा पी प्लस आयोटा क्यों? तो बस हमारा जो काम रह गया वो ये है कि हमने प्रूव करना है कि पी और Q दोनों ही कैसी है कि जो पी है वो कैसी है और क्यों भी क्या है हरमिशन तो पी थीटा कैलकुलेट करेंगे पी तो क्या है वन बाई टू ए प्लस ए लास्ट हमने प्रूव किया था कि ये जो है ये कई बार प्रूव कर चुके हैं कि ये आपके पास आएगी इक्वल टू पी इसको हम इजी ठीक है यू कैन प्रूव दिस इजीली ओके अब हम देखते हैं कि जो क्यों है, क्यों हर्मीशन होगी या नहीं तो क्यों थीटा कैलकुलेट करेंगे थीटा क्यों की वैल्यू देखिए क्या है वन बाय टू आयोटा ए माइनस होल थीटा ओके okay. देखिए एक रिजल्ट हमने प्रूव किया था कि अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है ए उसको आपने अल्फा से मल्टीप्लाई किया और थीटा कंप्यूट किया तो अल्फा बाहर आएगा कैसे कॉन्जुगेट के साथ और पीछे क्या रह जाएगा ए थीटा तो सेम रिजल्ट हम यहाँ पर प्रूव करेंगे तो पहले थीटा यहाँ अप्लाई करेंगे ये जो स्केलर है ये आपका थीटा से बाहर तो आ जाएगा विद कॉन्जुगेट ओके तो ये आपके पास वन बाय टू आटा का कॉन्जुगेट और पीछे क्या रह जाएगा ए माइनस ए थीटा थीटा ओके okay? और आपको पता है कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करते हैं तो आयोटा का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा ठीक है तो ये हो जाएगा माइनस वन बाय टू आयोटा और यहां देखिए क्या होगा ए थीटा माइनस ए थीटा थीटा क्या हो जाएगा ए इस माइनस को एडजस्ट कर दें तो ये आपके पास आ गया वन बाय टू आयोटा ये माइनस मैंने यहां एडजस्ट कर दिया तो ये रह गया आपके पास ए माइनस ए थीटा एंड वट इज दिस दिस इज योर क्यों तो देखिए पी थीटा भी पी आ गया और केव थीटा भी क्या आ गया क्यू तो दोनों क्या हुई पी और केव क्या हुई दोनों ही हरमिशन हुई तो ये हमने प्रूव करना था कि हम ए को ब्रेक कर सकते हैं एज पी प्लस आयोटा केव वे आर बोथ पी एंड क्यू आर हरमिशन तो अभी जो यूनिकनेस पार्ट है वो बाकी है यूनिकनेस तो पार्ट प्रूव करेंगे बिल्कुल सेम लाइंस पे चलेंगे लेट इफ पॉसिबल लेट इफ पॉसिबल ए इज इक्वल टू आर प्लस आयोटा एस वेयर आर को मान लिया आर भी हरमिशन है और एस भी कैसी है हरमिशन ठीक है तो हमने ये मान लिया कि ठीक है हम एक बार और लिखकर देखते हैं कि ए को हम लिखा हमने आर प्लस आयोटा एस आर हरमिशन है और एस भी कैसी है हरमिशियन ठीक है तो क्या कंप्यूट करेंगे यहां पर ए थीटा कंप्यूट करते हैं ए थीटा कंप्यूट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास आर थीटा प्लस आयोटा एस थीटा आर थीटा क्योंकि आर को आपने क्या माना हरमिशन तो आर थीटा क्या हो गया आपका आर हो गया देखिए आयोटा बाहर आएगा थीटा से तो कैसे आएगा कॉन्जुगेट के साथ और कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस आयोटा और एस थीटा क्या रहेगा एस तो ये आपके पास आ गया ए थीटा इज आर माइनस आयोटा एस तो एक ए इज इक्वल टू आर प्लस आयोटा एस और ए थीटा क्या हो गया आर माइनस आयोटा एड करें तो ए प्लस ए थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा टू आर एंड दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू वन बाई टू ए प्लस ए थीटा यह क्या था ये पी है सिमिलरली इन दोनों को आप सब टेक करें तो क्या आएगा टू आयोटा एस आयोटा एस आयोटा एस टू आयोटा एस हो जाएगा दिस इज इक्वल टू ए माइनस ए थीटा तो दिस इंप्लाइज एस क्या आ गया आपके पास वन बाय टू आयोटा ए माइनस थीटा एंड दिस इज योर क्यूके तो हमने क्या प्रूव किया कि आपने एक बार और कोशिश की लिखने की ए को आर प्लस आयोटा तो आर आपका पी आ गया और एस आपका क्यू आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज वन एंड ओनली वन वे टू एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एस पी प्लस आयोटा क्यू वेयर बोथ पी एंड क्यू आर हर्मिशियन फोर्थ एंड लास्ट रिजल्ट जो इस कैटेगरी में है वो ये है कि एवरी हर्मीशियन मैट्रिक्स ए कैन बी रिटर्न एज बी प्लस आयोटा सी वेयर बी इज रियल सिमेट्रिक एंड सी इज रियल स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ लगभग इसका भी वैसे ही है बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे इसको पहले हम ए को एक्सप्रेस करेंगे लेट ए बी ए हर्मीशियन मैट्रिक्स ये चीज हमें गिवन है हर्मीशियन मैट्रिक्स तो देखिए जब ये हरमीशन है तो ए थीटा क्या होगा ए थीटा इज इक्वल टू ओके। हरमीशन है तो ए थीटा क्या हो जाएगा ए के इक्वल हो जाएगा प्रूव क्या करना है ए को एक्सप्रेस करना है बी प्लस तो ए को लिखेंगे हाफ ए प्लस ए बिल्कुल वैसे ही हाफ यहां पर जस्ट क्या करना है आपने कॉन्जुगेट एड करेंगे और कॉन्जुगेट सब्सट्रैक्ट करेंगे ओके okay. क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि ए हर मिशन है तो कॉन्जुगेट आयोटा प्रेजेंट रहेगा अगर नहीं भी हुआ तो आपके पास ए जो है सारी एंट्री रियल होंगी तब भी कॉन्जुगेट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके तो हमने इसको क्या क्या कॉन्जुगेट ऐड कर दिया और कॉन्जुगेट सब्टैक्ट कर दिया तो इसको सेपरेट करें वन बाय टू ए प्लस ए प्लस वन बाय टू ए यहां पर सॉरी कॉन्जुगेट आएगा और यहां पर ए माइनस ए कॉन्जुगे ओके okay, तो अब देखिए वन बाय टू ए प्लस ए कॉन्जुगेट वैसे ही आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और आयोटा से डिवाइड करेंगे ए माइनस ए कॉन्जुगेट तो इसको कहेंगे बी और इसको कहेंगे सी तो ये आपके पास हो गया बी प्लस आयोटा सी ठीक है बस अब हमने ये प्रूव करना है कि बी जो है रियल सिमेट्रिक है और सी कैसी है रियल स्क्यू सिमेट्रिक है रियल से क्या मीनिंग है रियल से मीनिंग ये है कि जो बी एंट्री है बी की एंट्रीज हैं वो सारी आपकी रियल नंबर रहेंगी ऐसे ही जो सी की एंट्रीज हैं वो सारी क्या रहेंगी रियल रहेंगी बट फर्क क्या है कि बी सिमेट्रिक है और सी कैसी होगी स्क्यू सिमेट्रिक है तो अब हम प्रूव करेंगे पहले किसकी एंट्रीज जो बी और सी की हैं वो कैसे रियल कैसे होंगी तो इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर से एक रिजल्ट यूज करेंगे कि इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई देन वॉट इज जेड कॉन्जुगेट जेड कॉन्जुगेट इज एक्स माइनस आयोटा वाई तो आप एड करिए जरा जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या आएगा एक्स प्लस एक्स टू एक्स ये आपका इमेजनरी पार्ट वेनिश हो जाएगा तो जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट इज ए रियल नंबर सिमिलरली जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट को देखेंगे तो जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट देखिए क्या आएगा जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट टू आयोटा वाई आएगा ठीक है अगर हम इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करेंगे तो ये आपका रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा तो ऐसे ही यहां पर हुआ है देखिए ए प्लस ए कॉन्जुगेट यानी ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट किया था तो ये आपका रियल नंबर रहेगा यहां पर क्या है जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट ये इमेजिनरी आएंगी एंट्रीज बट आयोटा यहां प्रेजेंट है तो ये इसको क्या कर देगा रियल एंट्रीज बना देगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी की एंट्री और सी की एंट्रीज जो है वो क्या है रियल नंबर है अब हम प्रूव करेंगे कि बी जो है ए प्लस ए कॉन्जुगेट दिस इज सिमेट्रिक तो कैसे प्रूव करेंगे ट्रांसपोज कंप्यूट करेंगे बी का बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कर दिया हमने ओपन करें हाफ ए ट्रांसपोज प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ठीक है तो दिस इज इक्वल टू हाफ ए ट्रांसपोज प्लस ए थीटा ठीक है अब हमें गिवन क्या है कि ए जो है हरमिशन है तो ये चीज हमें गिवन है कि ए थीटा इज इक्वल टू ए तो यानी जहां ए है वहां ए थीटा लिख सकते हैं और जहां ए थीटा है वहां पर ए लिख सकते हैं ये ये ट्रिक हमने यहां पर यूज करनी है तो देखिए हम क्या करेंगे वन बाय टू ए की जगह क्या रख दिया हमने ए थीटा फिर ट्रांसपोज और ए थीटा की जगह क्या रख दिया ए तो देखिए हाफ थीटा क्या है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट तो कॉन्जुगेट पहले लिखेंगे फिर ट्रांसपोज और फिर ट्रांसपोज देखिए थीटा को हमने ब्रेक कर दिया ट्रांसपोज कंजुगेट ट्रांसपोज और ये ट्रांसपोज बाहर है और ये आपके पास ए हो गया और आपको पता है किसी मैट्रिक्स अगर हम दो बार ट्रांसपोज करें तो वही मैट्रिक्स वापस आएगी तो आपके पास आ गया हाफ ए कॉन्जुगेट प्लस ए एंड दिस इज बी ओके तो बी ट्रांसपोज क्या आ गया आपके पास बी आ गया इट मीन्स बी इज मेट्रिक ऐसे ही हम प्रूव करेंगे जो सी है वो कैसी होगी स्क्यू सिमेट्रिक होगी तो सी का ट्रांसपोज कंप्यूट करें सी क्या है हमारे पास वन बाय टू आयोटा ए माइनस ए कॉन्जुगेट इसका ट्रांसपोज कंप्यूट करेंगे ओके okay. जो आयोटा है वो तो ट्रांसपोज से इंडिपेंडेंट रहेगा एज इट इज बाहर आ जाएगा ओके okay. तो ये आपके पास आ गया ए ट्रांसपोज माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज तो दिस इज इक्वल टू वन बाय टू आयोटा ए ट्रांसपोज माइनस ए थीटा फिर वही ट्रिक यूज करेंगे ए थीटा है ए तो ए की जगह ए थीटा रखेंगे और ए थीटा की जगह ए रखेंगे तो देखिए दिस इज इक्वल टू वन बाय टू आयोटा ए की जगह हमने क्या रखा ए थीटा फिर ट्रांसपोज हो गया और ए की ए थीटा की जगह क्या रख दिया ए तो वन बाय टू आयोटा तो यहां पर देखिए फिर वही स्टेप यूज करना आपने कि यहां पर आपके पास कॉन्जुगेट भी है और ट्रांसपोज भी है ट्रांसपोज ट्रांसपोज दो बार करेंगे तो वापस वही आएगा तो दिस इज वन बाय टू आयोटा ए कॉन्जुगेट माइनस ए माइनस आइन को एडजस्ट कर दें माइनस वन बाय टू आयोटा ए माइनस ए कॉन्जुगेट एंड दिस इज माइनस सी तो क्या प्रूव किया हमने कि जो सी है वो कैसी है स्क्यू सिमेट्रिक है एंड दिस कंप्लीट द प्रूफ दैट्स ऑल फ्रॉम दिस साइड होप यू हैव इंजॉयड द लेक्चर If you have enjoyed the lecture, please subscribe the channel.